कानपुर में कल 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के नेताओं ने जनता रोड स्थित महाराज सिंह कॉलेज के खेल मैदान पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाकुंभरी देवी की पावन धरती से नगर निकाय चुनाव का शंखनाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल का कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को इसलिए वोट देने जा रही है क्योंकि उनके पास से मोदी जैसा नेतृत्व है, योगी जैसा नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ चल रही है। उन्होंने भाजपा की केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विकास के दम पर भाजपा के प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास में यकीन करती है। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में पार्टी के सभी प्रत्याशी न सिर्फ जीत दर्ज कराएंगे बल्कि भारी मतों से अपने विपक्षी उम्मीदवारों को हराएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार 17 नगर निगम में भाजपा का झंडा लहराएगा। प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री कुमार ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सैनी, विधायक राजीव गुंबर, विधायक देवेंद्र निम, विधायक मुकेश चौधरी, विधायक किरत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक महावीर सिंह राणा, मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग समेत भाजपा नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। हमने जो वायदे किए थे, हमारी सरकार ने जो वायदे किए थे, हमारी पार्टी ने जो वायदे किए थे, उन सारे वायदों को और सारी उपलब्धियों को जनता के समक्ष हम कल रखने जा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है जिससे आप जनता से? मैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज हम सबको आमंत्रित करने के लिए आप उपलब्धियों को और हमारे विकास के एजेंडे को माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के समक्ष रखेंगे और उनके आने से और उनके बोलने से पूर्व हम लोग नहीं बोल सकते। देखिए कल का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि सहारनपुर की जनता लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को अब स्नेह करती है और उनका समर्थन करती है। कल गर्मी है, बहुत अच्छी गर्मी है, उसके बावजूद भी जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, सारे जनप्रतिनिधि लोगों ने अपने क्षेत्रों में संपर्क किया है, पूरे सहारनपुर महानगर से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। कल का इंतजार कीजिए, कल से पहले हम यही कहेंगे ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और एक नया माइलस्टोन इस मैदान में हम बनाने जा रहे हैं। शर्मा जी, आपने कहा कि एक नया रिकॉर्ड रचेंगे, पिछली बार कम मार्जन रहा था, इस बार ज्यादा मार्जन रहेगा, कौन सी वो रणनीति तैयार की है जिससे ये मार्जन बढ़ जाएगा? देखिए हमने इस बार अधिकतम वार्डों पर, जो पिछली बार हमारे कम वार्डों पर प्रत्याशी थे, हमने और अधिक वार्डों पर इस बार प्रत्याशी दिए हैं। हमने अपना परिश्रम को और बढ़ाया है। हमारे पास पिछली बार जो नहीं थे, हम पिछली बार विधानसभा में भी हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन आज हमारे पास शहर विधानसभा में जुझारू विधायक है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, इन सबको लेकर हम एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। आपको जनता वोट कर रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है कि हम वाटर टैक्स साफ करेंगे, बिजली का बिल करेंगे, हमको जनता इसलिए वोट देने जा रही है कि हमारे पास में मोदी जी जैसा नेतृत्व है, योगी जी जैसा नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ में चल रही है। आज जो विकास का और सुरक्षा का जो योगी मॉडल है वो पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है, सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि आज योगी जी ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, योगी जी ने जो एक्सप्रेसवे दिया, आज एक जिला एक माफिया नहीं है, आज एक जिला एक उत्पाद है। तो एक जिला एक उत्पाद होने के कारण से हर हाथ को काम कैसे मिले, हर खेत को पानी कैसे मिले, विकास कैसे पहुंचे, रोजगार कैसे मिले, आज पहली सरकार है जिसकी भर्तियों पर कोई सवाल नहीं खड़े होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां होती है वो जातिवाद से मुक्त होती है, क्षेत्रवाद से मुक्त होती है, आज योग्यता के आधार पर भर्तियां हो रही है। 5 साल से लोगों को जो है हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतना लगातार सुविधाओं को, जन सामान्य की सुविधाओं को, दिल्ली की, सहारनपुर से दिल्ली की दूरी को कम करने का काम हमने किया है, सहारनपुर से लखनऊ की दूरी को कम करने का काम किया है, सहारनपुर से देहरादून को नजदीक किया है, हम लगातार विकास के एजेंडे पर चल रहे हैं। और जिन जिन टैक्सों की आप बात कर रहे हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं जो सहारनपुर के हैं, मैं पार्टी का प्रदेश के पदाधिकारी हूँ, यहाँ का संगठन के काम के लिए हूँ, हमारे दोनों मंत्री हैं, हमारे विधायक लोग हैं, ये सारे लोग आपके सारे सवालों को जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं, सक्षम हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सहारनपुर माता शाकुंभरी देवी की सिद्ध शक्तिपीठ है, माता त्रिपुर बाला सुंदरी जी की सिद्ध शक्तिपीठ है, यहाँ के इस पवित्र धराधाम से निकाय चुनाव के अंदर अपनी पहली जनसभा से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए अपने नए चुनावी रणभेरी का आगाज करेंगे और यहां से उनकी ध्वनि के साथ जो गगनभेदी उनकी आवाज है उसके माध्यम से पूरे प्रदेश को एक संदेश देने का सब प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने क्या अब तक किया और क्या हम आगे करने वाले हैं।
पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं में और पूरे जनपद वासियों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की आने की सूचना को लेकर और उनके आने को लेकर एक असीम उत्साह है। कार्यकर्ताओं में एक अलग प्रकार का जोश और एक नई ऊर्जा का संचार है। मुझे लगता है कि जब वह यहाँ पधारेंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ जो लोग होंगे और उनके उद्बोधन के बाद वो जिस नई ऊर्जा के साथ अपने वापसी निकायों के अंदर जाकर के जब काम करेंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 के 17 नगर निगम, अधिकतर नगर पालिका परिषद और अधिकतर नगर पंचायतें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनावी मैदान में, उन सबको विजयश्री हासिल। मुख्यमंत्री जी किस टाइम पहुंचे? लगभग 11:30 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन हो जाएगा और 50 मिनट का उनका यह कार्यक्रम यहां रहेगा। यहां के बाद उनका शामली की ओर प्रस्थान है, शामली के बाद अमरोहा में उनकी कल 3 जनसभाएं पूरे दिन के अंदर, वहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान।